स्वागत है आपका मेरे को नई वीडियो दोस्तों। आज की वीडियो में आपको 3 BHK फ्लैट वो भी न्यू उत्तम नगर में प्राइम लोकेशन पे आपको दिखाने वाला हूं। तो बात करें कनेक्टिविटी की, कनेक्टिविटी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है। जैसे आपकी मार्केट जो नियर रोड होगी, मेट्रो की काफी अच्छी कनेक्टिविटी आपको यहाँ मिल जाती है। गाइस बात करें प्राइस की, प्राइस आपको इस वीडियो में मेड में बताने वाला हूँ और लोकेशन विद रूफ राइट्स के साथ आपको ये फ्लैट मिलने वाला है। बहुत अच्छी प्राइम लोकेशन और रूम्स देख दो, काफी स्पेसियस है इसका। मतलब 80 गज का 3 BHK फ्लैट है, बट बिल्टअप एरिया 100 गज है, मतलब 100 गज का बिल्टअप एरिया इस फ्लैट में आपको मिलने वाला है। तो गाइस जैसा कि मैंने कहा था आपको मिलवा देता हूँ मन्नू भाई से। आज हमारे साथ मन्नू भाई प्रताप बिल्डर। सर कैसे हो? बहुत बढ़िया, आप सुनो कैसे हो? बहुत बढ़िया भैया। आज की वीडियो में किस प्रॉपर्टी के बारे में बताने वाले हो? आज हम लेके आए 40 फुट रोड के ऊपर 3 BHK। पहले भी तक आपके सामने मैंने 30 और 35 फुट रोड पे 3 BHK प्रेजेंट करे थे। आज आपके लेके आए बहुत ही शानदार 3 BHK जो की 40 फुट रोड के ऊपर, और जिसकी विड्थ की बात करी जाए फ्लैट की तो 30 फुट मत्थे का फ्लैट है। लास्ट यूनिट अवेलेबल है इस बिल्डिंग के अंदर, टॉप फ्लोर बैक साइड का विद रूफ राइट के साथ, लिफ्ट एंड कार पार्किंग के साथ। तो मन्नू भैया बताइए इस प्रॉपर्टी के बारे में। दोस्तों ये है हमारा सबसे शानदार 3 BHK फ्लैट, जो कि मैंने आपको बताया था बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है, न्यू उत्तम नगर की प्रॉपर्टी है, 80 गज की प्रॉपर्टी है। और सबसे पहले मैं खड़ा हूँ इस फ्लैट की जान और शाद इस खूबसूरत से हॉल के अंदर। आपको सीलिंग दिखाना चाहूंगा यार, कितनी एडवांस्ड आर्किटेक्ट वे में बहुत ही लग्जरी सीलिंग डिफरेंट स्टाइल में करी गई है। इसमें भी ब्लू कलर की LED लगनी बाकी है, जिससे कि इसकी ब्यूटी और ज्यादा एनहांस हो जाएगी, विच इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। आपको मैं एक बार लिटरली इसका हॉल साइज दिखाना चाहूंगा, एक बार इसका हॉल साइज दिखाइए, कितना जबरदस्त हॉल साइज है जो कि यू शेप के अंदर है। दोस्तों सबसे खास बात दिखाना चाहूंगा इसके अंदर कटनी पत्थर यूज किया गया है। जी हाँ, इसकी फ्लोरिंग जो है कटनी पत्थर की है। इसमें आपको नॉर्मल जो विट्रीफाइड टाइल्स है, टाइल्स की जगह इसमें मार्बल फ्लोरिंग आपको करके दी जा रही है। बहुत ही अच्छी सीलिंग LED लाइट कॉबलेट टाइप इसको आपको लग के मिलेगी। पीछे जो आपको टेक्सचर का चॉइस है, टेक्सचर के साथ साथ अगर आप वॉलपेपर लगवाना चाहते हैं तो यस वी आर गिविंग यू अ चॉइस, आप उसमें लगा सकते हैं। हॉल के अंदर आपको यहाँ पर स्प्लिट AC की फिटिंग दी गई है, साथ साथ यहाँ पर कोना के स्विचेस आपके यूज किए गए हैं। आप देख सकते हैं कोना के सारे स्विचेस विद रेगुलेटर उस पर लगा के दिया जा रहा है। सिक्योरिटी प्रोविजन की बात करी जाए, अगर आपका बैक साइड का फ्लैट है तो भी उसके अंदर आपको देखिए बहुत अच्छा यशिकोम का इंटरकॉम ऑडियो एंड वीडियो सिस्टम के साथ दिया जा रहा है, जिसके अंदर मल्टीपल फीचर्स आपको मिल रहे हैं। राइट, ये आपको चालू करके दिया जाएगा, टच स्क्रीन प्रोविजन के साथ है। तो ऑलमोस्ट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वाइड ड्रॉइंग रूम, बहुत ही शानदार स्पेस के अंदर। जैसे कि मैंने वीडियो की बिगिनिंग में आपको बताया कि इसका फ्लैट का फ्रंट 30 फीट है, और 30 फीट फ्रंट होने की वजह से हमारा कमरा पहला बेडरूम, सेकंड बेडरूम, और लेआउट के हिसाब से आई वांट टू एक्सप्लेन, दिस इज फर्स्ट बेडरूम, सेकंड बेडरूम एंड द किचन। तो तीनों चीज के अंदर मैं पूरे घर की लाइट्स भी अगर ऑफ कर दूं, इस घर का वेंटिलेशन नहीं खत्म होने वाला, ब्यूटीफुल सनलाइट यूज कर सकते हैं, नेचुरल लाइट इतनी शानदार। आप किचन के अंदर देखिए, इस टाइम मैं किचन में खड़ा हूं, उस नेचुरल लाइट का व्यू देखिए आप कितना शानदार मिल रहा है। राइट, तो सबसे पहले हम किचन ही एक्सप्लेन कर देते हैं कि बहुत ही शानदार एक L शेप की हमारी किचन इसके अंदर मिल रही है, ग्रेनाइट पत्थर लगा के मिल रहा है इसके अंदर। साथ साथ आप देख सकते हैं कुलीना की चिमनी मिल रही है, बहुत ही अच्छे बॉक्सेस। स्टोरेज कैपेसिटी की बात करी जाए तो बहुत अच्छी स्टोरेज कैपेसिटी मिल रही है, साथ साथ मेरे को यहाँ पर RO का प्रोविजन मिल रहा है इसके अंदर। राइट, चिमनी लगा के मिल रही है कुलीना की, 2 साल की वारंटी के साथ है, किसी प्रकार की समस्या आती है तो रिप्लेस करा के दी जाती है। बॉक्सेज एंड स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही अच्छी मिल रही है इसके अंदर, मल्टीपल ड्रॉर्स मिल रहे हैं हमें। राइट, चैनल्स आर वेरी नाइस, बहुत अच्छे ड्रॉर्स मिल रहे हैं, वेरी स्मूथ। तो स्पेस वाइज इट इज वेरी गुड, और वेंटिलेशन की बात अगर एक फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, वो किचन में वेंटिलेशन ढूंढते हैं, विच इज अल्टीमेट इन दिस पर्टिकुलर फ्लैट। तो अल्टीमेटली इट इज अ वेरी हाईली मॉड्यूलर किचन है। आप देखिए उसके अंदर आपको सामने एग्जॉस्ट का पॉइंट भी मिला है, चिमनी लगने के बावजूद आप अपना एग्जॉस्ट इंस्टॉल कर सकते हैं, स्पेसियस है एंड वेरी नाइस सैनिटरी की बात आप देख सकते हैं, बहुत ही खुला, बिल्कुल एक ओपननेस फील हो रही है। इसका सबसे बड़ा रीजन ही यही है, इसका जो विड्थ है इस पर्टिकुलर फ्लैट की जो विड्थ है दैट इज 30 फीट, 30 फुट फ्रंट का फ्लैट है। आप दिखा दो आपको सबसे पहला बेडरूम, बिल्कुल गाइस, मतलब दिस इज आवर मास्टर बेडरूम गाइस, स्पेस मतलब माइंड ब्लोइंग स्पेस, कोई कह नहीं सकता कि मैं लिटरली आपको इस टाइम प्रॉपर्टी दिखा रहा हूं तो 80 गज का फ्लैट दिखा रहा हूं, 100 गज वाली फील आ रही है यार। 15x15 का कमरा है, 15x15 का रूम है ये, इतना शानदार स्पेस आपको मिल रहा है। तो बिल्टअप एरिया कितना है इसका? बिल्टअप एरिया इसका 100 गज है, ये 80 गज का फ्लैट ऑन पेपर है, 30 फुट मत्थे का फ्लैट है, 95 से 100 गज का इसका बिल्टअप एरिया निकल रहा है। रीजन यही है, वेंटिलेशन के साथ साथ जो हमें विड्थ मिली है ना इसके अंदर, सबसे बड़ी खासियत। अब बेडरूम का वेंटिलेशन देखिए, इस टाइम कितना शानदार वेंटिलेशन इस टाइम आ रहा है। सामने यहाँ पर आपका विंडो AC लग जाएगा,
सिक्योरिटी प्रोविजन आपको दिया, जब तक आप एसी नहीं लगाते तब तक आपको यहाँ ग्रिल्स लगा के मिल रही है। साथ साथ आप देख सकते हैं इसके अंदर राइट नाउ आपको नीचे विंडो, डबल पार्टीशन की विंडो मिल रही है, जिसके बाहर हमारा वॉशिंग मशीन रखने का पॉइंट दिया। देन आई विल शो यू द बालकनी आल्सो। मैं कॉमन साथ साथ अटैच वॉशरूम कमरे के दिखा, मास्टर बेडरूम है तो अटैच वॉशरूम इसके अंदर मिल रहा है, बढ़िया वॉशरूम है, अच्छी टाइलिंग, कारपेट मैटर जो उसके अंदर पैटर्न बेस का जो यूज किया गया, टाइल्स आर वेरी नाइस, डिफरेंट है, यूनिक टाइल्स है, तीन टाइल्स का कॉम्बिनेशन यूज किया जा रहा है इसके लिए। साथ साथ मैं दिखाना चाहूंगा जो प्रोविजन हमें एग्जॉस्ट का दिया गया वहां पे वेंटिलेशन के लिए। अगेन इस पर्टिकुलर फ्लैट का मैंने सबसे मेन चीज बताया द वेंटिलेशन, वेंटिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज अमेजिंग, बहुत ही शानदार, और लोकेशन और वेंटिलेशन बोथ आर एक्सीलेंट, और रूम स्पेस दोस्तों आपने देख लिया, चाहे आप किंग साइज, सुपर किंग साइज, यार किंग साइज बेड, अलमीरा, ड्रेसिंग, आप कुछ भी इसमें सेटअप करो, इट इज वेरी ब्रॉड, बहुत ही स्पेशियस बेडरूम मिल रहा है। और नॉर्मली इतना बड़ा बेडरूम, बिलीव मी, ये आपको 100 गज के बेडरूम के अंदर, 100 गज का फ्लैट अगर हम लेते हैं तो भी इतना खुला बेडरूम हमें नहीं मिलता, दिस इज वेरी गुड। अब आपको दिखाता हूं इसका सेकंड बेडरूम, सीलिंग का भी बहुत अच्छा टेक्सचर दिया गया, सीलिंग देखो यार, सीलिंग भी बहुत शानदार है, इसमें एलईडी लाइट मैंने आपको बताया ब्लू कलर की एलईडी लाइट लगनी इसके बाकी है, जिससे कि इसका व्यू और बदल जाएगा। दोस्तों आप इसके पीछे टेक्सचर पेंट करके दिया गया है, टेक्सचर पेंट और वॉलपेपर की चॉइस टोटली आपके ऊपर है, अगर आप कहेंगे हमें वॉलपेपर चाहिए तो डेफिनेटली इसके ऊपर आपको वॉलपेपर लगा के दिया जाएगा। जी हाँ, अब आप मतलब मेरे इस वॉक थ्रू के आप देख चेक कर सकते हो कि इसका, इस घर का वेंटिलेशन कितना शानदार है, किचन बेडरूम नेचुरल लाइट्स यूज कर रहे हैं मोस्ट ऑफ। अभी आप देखो लिटरली हम इस टाइम डिपेंडेंट, आप लुक एट द वेंटिलेशन यार, मतलब इस फ्लैट के अंदर वेंटिलेशन का लेवल दूसरा है, बिल्कुल सेवन स्काइज वाला हिसाब किताब है, और बहुत ही अल्टीमेट फील आ रहा है, क्योंकि मैंने बताया विड्थ बहुत ज्यादा है, विड्थ ज्यादा होने की वजह से, अब आप विड्थ ज्यादा है इस वजह से बेडरूम का इसमें भी स्पेस देखिए, मुझे लिटरली एक्सप्लेन है, मैं 80 गज बस मेरी मजबूरी है क्योंकि फ्लैट ऑन पेपर 80 गज है, तो मैं आपको 80 गज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं तो घर के अंदर आने के बाद आपको 100 गज से छोटा ये फ्लैट नहीं लगने वाला, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रूम स्पेस, बिकॉज ऑफ द विड्थ ऑफ द फ्लैट, बहुत ही शानदार मेरे पास स्पेस है, आपका डबल बेड यहाँ लग जाएगा, और उसके साथ आपको बहुत ही वाइड अलमीरा मिल रही है, शानदार सी वाइड अलमीरा, एक स्पेस देखो डेप्थ कितनी शानदार मिल रही है इसके अंदर, एक बहुत ही वाइड अलमीरा, बॉक्सेस मिल रहे हैं नीचे आपको, ड्रॉर्स मिल रहे हैं, बॉक्सेस ऑन रूफ तक है, बिल्कुल अप टू रूफ तक बिल्कुल बना के दी जा रही है आपको अलमीरा। इसके अंदर भी आपको सेम वही प्रोविजन दिया जा रहा है, ये आप विंडो एसी लगा लेंगे, यहाँ से आपको कोना के स्विचेस मिल रहे हैं, डायरेक्टली कनेक्टेड है, वेंटिलेशन अगेन बहुत शानदार है। सी दिस इज द बालकनी स्पेस, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ कमरे के बाहर, बिल्कुल स्पेस मुझे यहाँ पर मिल रहा है, बहुत ही अच्छा स्पेस मिल रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट मिल रहा है, टैब मिल रही है मुझे कपड़े सुखाने के लिए, यहाँ पर रॉड्स आपके लग जाएंगी, तो दिस इज ओवरऑल वेरी वाइड बालकनी, जिसके आप बालकनी के डायमेंशन की बात करी जाए तो दिस इज ऑलमोस्ट 20 feet, 20 feet की बालकनी, अगर मैं वॉल टू वॉल की बात करूँ तो 20 feet के आसपास की बालकनी मिल रही है, शानदार कपड़े सुखाने के लिए आपको यहाँ पर एंगल्स लगा के मिल रहे हैं, साथ ही साथ आपको पूरा वो अप टू रूफ हाइट, जिससे आपको बालकनी खराब ना हो, पानी वगैरह लगा, और व्यू आप देख ही सकते हो, दिस इज द व्यू राइट, बहुत अच्छा, बैक साइड वाला बिल्कुल भी फील नहीं आने वाला है, क्योंकि वेंटिलेशन इस घर का इतना शानदार है, आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा इस प्रॉपर्टी को देखने में। और प्राइस तो देखो दोस्तों वही लगेंगे, ऑब्वियसली बात है 80 गज का फ्लैट है तो 80 गज के चार्जेस लगेंगे, लेकिन फील आपको, आई एम श्योर आपको फील 100 गज के फ्लैट का आने वाला है। आई विल टेक यू टू द थर्ड रूम, दिस इज आवर 3 BHK एंड दिस इज आवर थर्ड बेडरूम। आप इस बेडरूम के अंदर भी देख लो यार, स्पेस तो मतलब मुझे कहना ही नहीं पड़ रहा, आप कमरों के साइज देखो, कटनी पत्थर लगा के मिल रहा है, बहुत अच्छी हाइट, मतलब हाइट की बात करी है तो हाइट भी बहुत शानदार, टॉप फ्लोर की नॉर्मली जो हाइट लोगों को मेजरमेंट के हिसाब से रखनी पड़ती है तो इसकी हाइट भी बहुत शानदार है, ऑलमोस्ट 10 feet के आसपास की हाइट मिल रही है, बहुत ही बढ़िया तरीके से, और अंदर का कमरा है, स्प्लिट एसी की फिटिंग मिल रही है, साथ साथ आपको एक शाफ्ट मिल रही है, मैं दिखाना चाहूंगा। अब देखो नेचुरल लाइट आ रही है यहाँ से भी, लुक एट दिस, एकदम नेचुरल लाइट आपको यहाँ पर मिल रही है, नेचुरल लाइट के साथ यहाँ पर फ्लैट है, और सीलिंग एक बार दिखाना चाहूंगा कितनी एडवांस सीलिंग है यार, एडवांस वाली कर रखी है, एकदम डिफरेंट स्टाइल की सीलिंग, अभी तक आपने बहुत अलग अलग फ्लैट से मेरी डिफरेंट डिफरेंट सीलिंग देखी है। और दोस्तों एक बार पिलर का साइज देख लो यार, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी का आपको आंसर तो यही मिल जाएगा, लुक एट द पिलर साइज, आपका बेड यहाँ लगेगा बिल्कुल सेंटर में, सेंटर बेड लगेगा, साइड टेबल्स लगेंगी, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि क्वालिटी क्या है, मैं ढकना चाहता तो शायद इसके बराबर में चुनाई करवा देता और वो बिल्कुल प्लेन दिखता, लेकिन जो चीज़ शान है वो शान ही रहेगी। सो अल्टीमेट
क्वालिटी हम यूज कर रहे हैं अपनी तरफ से फ्लैट के अंदर, और बहुत अच्छा स्पेस का बेडरूम में तीसरा मिल रहा है, सीलिंग बहुत बढ़िया मिल रही है, एमसीवी जो स्विचेस हम यूज कर रहे हैं, एवरीथिंग अगेन वांट टू शो यू कि एवरीथिंग जो भी हम यूज कर रहे हैं सिर्फ ब्रांडेड है, इसमें कोई भी चीज लोकल नहीं लगा के दी जा रही है। हर कमरे में आपको एलसीडी लगाने का प्रोविजन है, अगर यहाँ से लगाना चाहिए यहाँ भी मिल जाएगा, तो हर कमरे में आपको प्रोविजन मिल रहा है और बहुत ही स्पेशियस बेडरूम है यार, जैसे कि मैंने आपको बताया। सो जैसे कि आप देख सकते हो सामने आपका यू शेप का हॉल है, तो हॉल के साथ ही हमें यहाँ पर एक कॉमन वॉशरूम मिल रहा है, कॉमन वॉशरूम के अंदर आप दिखाना चाहूंगा यहाँ पर हमें वॉश बेसिन बाहर मिल रही है, और सामने आपको स्पेस दिखाना चाहूंगा, बहुत ही अच्छे स्पेस इसके अंदर आपको मिल रहा है, टाइल्स वगैरह बहुत ही यूनिक है, इसमें लाइट लगनी बाकी है अभी ऊपर, और सीलिंग करवा के दी जाएगी, और साथ में वेंटिलेशन दिखाना चाहूंगा अगेन, टाइल्स बहुत अच्छी है, बहुत ही यूनिक टाइल्स 2x4 की, इसके अंदर टाइल को कटिंग करवा के लगवा के दिया जा रहा है, और विच सैनिटरी भी बहुत अच्छी आपको इसके अंदर मिल रही है। अल्टीमेटली प्रोडक्ट बहुत ही क्लास है, टॉप फ्लोर है विद रूफ राइट्स है, और बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी है, और इससे मैं अगेन मैं इस फ्लैट के अंदर घूमते हुए लिटरली मुझे वो 80 गज वाला जो नॉर्मली फ्लैट होता है 80 गज वाला फील नहीं है, अगेन बार बार वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ही कहूँगा फ्लैट को देखोगे 100 गज का फ्लैट नजर आएगा राइट। बिल्कुल, अब मेन मुद्दे पर आते हैं, प्राइस से पहले इस फ्लैट की देखो, कस्टमर्स को मैंने खूबी बताई है, वेंटिलेशन बहुत क्लास है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, 80 गज ऑन पेपर है, लेकिन दोस्तों आपको 100 गज से नीचे प्रॉपर्टी नहीं दिखने वाली, जब आप विजिट करने आएंगे आपको लिटरली लगेगा कि आपने 100 गज का फ्लैट ही देखा है। और प्राइस की बात करी जाए तो इस फ्लैट का प्राइस है 39 लाख रुपीज, 39 लाख में आपको 100 गज की फील्ड वाला फ्लैट मिलने वाला है, लेकिन आपकी लोकेशन दिखाऊंगा, आप लोकेशन देखे दिल खुश हो जाएगा, आप प्राइम लोकेशन पे बिल्कुल एकदम प्राइम लोकेशन में, जब हम बिल्डिंग में एंटर कर रहे थे मैंने आपको सबसे पहले दिखाया था कितना शानदार एलिवेशन था, इतना शानदार एलिवेशन और 40 फुट की रोड, और फ्लैट का फ्रंट है 30 फुट, जो कस्टमर इसको देखने आएगा वो लिटरली वही क्लाइंट देखने आएगा जो इसको चाहता है कि मुझे प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी चाहिए, थर्ड फ्लोर विद रूफ राइट्स विद लिफ्ट विद कार पार्किंग, बहुत ही शानदार लोकेशन पे है दोस्तों। अगर आपको लोकेशन से प्यार है सिक्योरिटी वाइज कनेक्टिविटी वाइज और जो आसपास की जेंट्री है उसके हिसाब से जो भी आप देखना चाहते हैं, दिस इज एन एक्सीलेंट प्रॉपर्टी। और लास्ट फ्लैट बचा है दोस्तों थर्ड फ्लोर विद रूफ राइट्स, प्रीवियस क्लाइंट का सिविल की वजह से लोन नहीं हुआ था, इस वजह से ये प्रॉपर्टी हमारी बची, नहीं तो रूफ राइट वाली प्रॉपर्टी से दोस्तों कभी नहीं बचती। कितने परसेंट तक करवा लोस्ट लोन इसके अंदर आपको 80-90% के बीच में आराम से 80-90% तक लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कस्टमर की प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, 5 से 4 से 5 दिन के अंदर लोन का सेंक्शन लेटर मैं दिलवा दूंगा, वो मेरी जिम्मेदारी है। चलो बाकी गाइस अगर किसी को 1 BHK 2 BHK 3 BHK फ्लैट चाहिए बिल्कुल दिल्ली में उत्तम नगर में, ठीक है, वो भी प्रताप बिल्डर्स पे आप आ सकते हो, क्वालिटी एश्योर्ड मिलने वाली। बाकी भैया थैंक्स, थैंक यू सो मच, और स्क्रीन पे दिए नंबर पे देख के आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रॉपर्टी की डिटेल्स आपको दे दी गई है, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, स्टे कनेक्टेड, ऐसे प्यार देते रहिएगा।